हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सेजल ठाकुर फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय, स्टैंडर्ड 7, इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 3। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट बुक और नोटबुक में कंप्लीट कर लिया है। आई होप चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 दोनों आपको समझ में आ गया होगा। आपने अपनी नोटबुक और वर्कबुक दोनों कंप्लीट की होगी। अब हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोडरुक। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? कोडरुक। इसका मीनिंग है हु इज हेल्दी, कौन हेल्दी है। क्या नाम है? कोडरुक मीन्स हु इज हेल्दी। एक पक्षी है, बर्ड्स है, वो सबको जाके पूछता है कि कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है, पर किसी को इसका प्रश्न का जवाब किसी के पास से भी मिलता नहीं है। तो वो निराश होके एक झाड़ के ऊपर बैठता है। वो झाड़ के नीचे एक ऋषि है। यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दिया है, बताया है ऋषि मुनि का। तो ये ऋषि का नाम है वाघ भट्ट। तो ये बर्ड्स ने वाघ भट्ट को भी प्रश्न पूछा कि हु इज हेल्दी, कौन हेल्दी, यानी कि कौन हेल्दी रहता है। तो उसने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। वो क्या उत्तर दिया वो हम ये लेसन में से सीखेंगे। तो सबसे पहले पिक्चर नंबर 1, यानी कि ये पिक्चर नंबर 1 है। ये पिक्चर नंबर 1 में से देख देख के हमको ये संस्कृत दिए गए हैं, संस्कृत का इंग्लिश ट्रांसलेशन हमको करना है। एक पक्षी अस्ति, यानी देयर इज अ बर्ड। पक्षी मीन्स बर्ड, देयर इज अ बर्ड। सह आकाशे अत्र तत्र गच्छति। सह यानी इट, वो पक्षी आकाशे अत्र तत्र गच्छति, इट मीन्स ही गोज हियर एंड देयर इन द स्काई। ये जो बर्ड है वो आकाश में यहाँ वहाँ उड़ता रहता है। सह पुनः पुनः वदति कोडरुक। सह यानी इट, इट स्पीक, वदति मीन्स स्पीक, इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन। पुनः पुनः मीन्स अगेन एंड अगेन। कोडरुक इट मीन्स हु इज हेल्दी। ये जो बर्ड है वो आकाश में इधर उधर उड़ता रहता है और वो सबको पूछता है अगेन एंड अगेन, यानी कि बारंबार पुनः पुनः वो पूछता है। क्या पूछता है? कोडरुक इट मीन्स कौन निरोगी है, हु इज हेल्दी। कह निरोगह भवति, हु इज विदाउट एनी डिसीज, यानी किसी को भी कोई भी रोग, डिसीज यानी कि रोग, किसको, कौन निरोगी है, किसको एक भी रोग नहीं है। कह निरोगह भवति, हु इज विदाउट एनी डिसीज। फिर से, एक पक्षी अस्ति, देयर इज अ बर्ड। सह आकाशे अत्र तत्र गच्छति, इट गोज हियर एंड देयर इन द स्काई। हियर एंड देयर यानी कि यहाँ वहाँ, इन द स्काई यहाँ वहाँ, कहाँ पे वो घूमता रहता है, तो वो आकाश में, इन द स्काई। सह पुनः पुनः वदति कोडरुक, इट स्पीक अगेन एंड अगेन। कह निरोगः भवति, हु इज विदाउट एनी डिसीज। ये है हमारा चित्र नंबर 1 और इसका ट्रांसलेशन। फिर से एक बार इंग्लिश ट्रांसलेशन बोल जाती हूँ। देयर इज अ बर्ड, इट गोज हियर एंड देयर इन द स्काई, इट स्पीक अगेन एंड अगेन, हु इज हेल्दी, हु इज विदाउट एनी डिसीज। चलो, तो अब हम चित्र नंबर 2 देखेंगे। ये रहा चित्र नंबर 2। चित्र नंबर 2 में ये पैराग्राफ है।
यह तक हमने क्या सीखा? तो पक्षी यहाँ वहाँ घूमता है और सबको पूछता है कौन निरोगी है। अब पक्षी क्या करता है? पक्षी द्वारम द्वारम अटती, यानी जो बर्ड है, द बर्ड वंडर डोर टू डोर, यानी कि वो कहाँ पे घूमता रहता है? द्वारम द्वारम यानी कि सबके घर पे, द्वार पे, डोर टू डोर। द बर्ड वंडर्स डोर टू डोर। एकम एव प्रश्नम पृच्छति, इट आस्क ओनली वन क्वेश्चन। इट आस्क ओनली वन क्वेश्चन, वो एक ही प्रश्न पूछता है। एकम एव प्रश्नम पृच्छति यानी एक ही प्रश्न पूछता रहता है। जनाः उपहासं कुर्वन्ति, जनाः यानी पीपल, पीपल रेडिक्यूल इट यानी वो उपहास करना, उसको सब हंसते हैं, वो बर्ड को सब हंसते हैं क्योंकि बर्ड सबको एक ही प्रश्न पूछता है। कोडपि उत्तरम न ददाति, कोडपि मीन्स नोबडी, कोई भी उत्तर नहीं देता, नोबडी आंसर इट। पक्षी निराशः भवति, द बर्ड बिकम्स डिसहैप्पी डिसअपॉइंटेड। पक्षी निराशः भवति मीन्स द बर्ड बिकम्स डिसअपॉइंटेड। तो जो बर्ड्स है वो इधर उधर घूमता रहता है और सबको एक ही प्रश्न पूछता है कौन निरोगी है, इस वजह से जो लोग हैं इसके आसपास वो हंसते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो पक्षी निराश हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम पार्ट वन में, कोडरू का पार्ट वन में यहाँ तक ही लेंगे दो पिक्चर्स, पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2। ओके, थैंक यू।